तीसरे नंबर पे बच्चे ने किसने पूछा था ये? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर रिपीट करना तो थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको। आप लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं? मेरे जीवन का तो उल्टा अनुभव बता सकता हूँ आपको, जचे तो बताना बैठे। मैं बीएससी एलएलबी करके 86 के आसपास में एक अच्छे पीएससी चेयरमैन के साथ बैठ करके बात कर रहा था। ऐसे ही कुछ कारण से उनकी मेरे से आत्मीयता कोई दूसरी बात थी, तो बातचीत बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि भैया आप पीएससी दे रहे हो क्या? तो मैंने कहा क्यों, बोले आप डिप्टी कलेक्टर तो मैं आपको बना ही सकता हूँ, इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद, और मेरे मुंह से उस समय तुरंत निकल गया कि आप मेरे को क्या डिप्टी कलेक्टर की बात कर रहे हो, आईएएस अधिकारी मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ रहा हूँ। और ये उस समय की बात है, मैं जब खाने के होटल चलाता था तो थोड़ा लालचन भी था और थोड़ी अपने मन में ऐसे ही भाव थे, तो मैं बोल तो गया, फिर मेरे को ध्यान में आया कि ये मेरे से प्रेम के कारण कह रहे, मेरी मदद करने की बात कह रहे, और मैंने अहंकार से बात कर रहा हूँ, अच्छी बात नहीं। फिर मैंने उनसे थोड़ा अपनी बात को साफ करते हुए माफ़ी मांगते कहा कि आप बुरा मत मानिएगा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिंड में नौकरी करना नहीं है, मेरे स्वभाव में मेरे को लगता नहीं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा है मैं आपके मन की भाव समझता हूँ, आपने मेरे को प्रेम से अच्छे काम के लिए कहा है, तो आपको धन्यवाद, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से काम करने की और समाज सेवा करते करते प्रशासनिक व्यवस्था में जो मदद होगी वो करने का भाव है मेरा। उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, लेकिन ये मैं तो अपनी बात करके भूल गया, लेकिन जब मैं 2003-04 में उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना तब मेरे हाथ के नीचे एडिशनल कलेक्टर लेवल के लोग सीईओ करके काम करते थे। 2010 तक वो अपना काम करते थे, लेकिन 2010-11 में जब एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मेरे नीचे काम करने आए, तो वो चेयरमैन जरूर मेरे से मिलने आए कि मेरे को बेटा वो बात ध्यान है कि तुमने जो कही थी, मुझे इस बात का संतोष है कि तुमने जो कहा था वो करके दिखा दिया, ये भी 10-12 साल पहले की बात। तो ये थोड़ा सा प्रशासनिक सेवाओं को काम में आपको जो अपने एग्जाम देने की बात कही ना, तो पहले अपना आकलन करें कि हम किस पिंड के बने, हमारे मन में क्या होता है। कभी कभी नौकरी में सब कुछ हो सकता तो जरूर उस लाइन में जाएगा, उसमें कोई संकोच नहीं, लेकिन अभी आप माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल को देखो, हमको उसके उदाहरण मिल जाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी का उदाहरण हमारे सामने है, उसके पहले यशवंत सिन्हा जी का उदाहरण हमारे सामने है, आईएएस अधिकारी भी बने लेकिन उस नौकरी को तिलांजलि भी दे दी। तो जो जैसा जहां हमारा मन करे, हमारा कॉन्फिडेंस बोले, हमारे को परमात्मा ने एक तरह से अंदर भाई दो शरीर अपने पास, तो अंदर का शरीर के अंदर की आत्मा भी कुछ बोलती है, और हम उसके साथ न्याय करें, उसका साथ अन्याय नहीं करें। कभी कभी हमारी क्षमता योग्यता कुछ और होती है, हम करने कुछ और जाते हैं, तो एग्जाम देने जाए जरूर जाए, लेकिन एग्जाम को दे तो डूब करके दे के, मैं इस एग्जाम को निकाल के मानूं, और अगर एग्जाम निकल गई उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण हमारे सामने है, आईसीएस एग्जाम पास की 1923 अंग्रेजों का वो शासन काल था और एशिया में उनका नंबर वन स्थिति है, लेकिन इनको लगा कि मैं केवल ये एग्जाम इसलिए पास कर दिखा रहा हूँ कि अंग्रेज कहते थे कि इनमें बुद्धि नहीं होती हिंदुस्तान के लोगों, तो उनमें बुद्धि है योग्यता, और उसके बाद उनकी नौकरी को लात मार करके उन्होंने देश सेवा का मार्ग पर बढ़े। ये उदाहरण भी हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आपके ऊपर निर्भर करता आप कौन सी लाइन पसंद करते हैं। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही अच्छे से जीवन को सफल बनाने के मंत्र हम सभी को बताए, और हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप हम सभी को संबोधित करें बाबा महाकालेश्वर के परम भक्त, जो कि जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो कि बहुमुखी विकास के लिए निरंतर तत्पर है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें।
बोल तो सब दिया लेकिन बोलना क्या पड़ेगा, ये नया विषय आई है। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरी अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप सबको आपके जीवन की नई शुरुआत हुई है, नई दिशा में आप बढ़े हैं और समूचा मंच, मैं पूरे मंच का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। वर्षों की तपस्या आप लोगों ने की होगी, परिवार की आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के बलबूते पर आप अपने अपने ढंग से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसमें आपको संतोष भी है और भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। और ये भी सफल रहा है, परमात्मा की दया है कि अयोध्या में अभी अभी भगवान की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो उसको भी कोई अलग अलग ढंग से देखेंगे, जिसको देखना होगा, जो बात समझना होगा, लेकिन हमारे लिए समझने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन हमको दिया है उसके एक एक वाक्य को सुनोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सच्चे अर्थों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरह से देश के अंदर भी सुशासन की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम राज्य की तरफ बढ़ाया हुआ कदम भी हम मान सकते हैं। और ऐसे काल में भगवान राम को बहुत अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, देखा जाता है, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंधों के आधार पर उनका अलग चित्र बनता है। लेकिन राम राज्य की हम सबको भी वो सुशासन की अगर कोई अच्छी परिभाषा पूछता है तो एक शब्द में हम बता देते हैं राम राज्य। वो राम राज्य मतलब उनका सुशासन का वो उस समय का आदर्श उदाहरण। तो ऐसे में आपको ये कार्यभार मिल रहा है, इसलिए आप भी भाग्यशाली हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप राम राज्य के उस पथिक के लंबे पाथे के पथिक बन के जाने और ये एक तरह से नियुक्ति पत्र आपको मिल रहा है। अब ये नियुक्ति पत्र नहीं है, ये एक विश्वास का पत्र है, ये आपकी संभावना का पत्र आपको मिला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से, इस विश्वास के पत्र के माध्यम से आप भविष्य में सबल सक्षम सुशासित हमारा मध्य प्रदेश बने, इसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते और एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के नाते से आप आगे जा सकते। और मैंने जैसे पहले भी कहा था बातचीत में कि ये आपका अंतिम पड़ाव भी नहीं है, इस काम को करते करते आप अपने अंदर की ललक बनाए रखें कि आप बाकी भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो देते रहिए, शासन की कोई मंजूरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा, उसमें कोई कंजूसी नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे अंदर की ऊर्जा का हमारे अंदर, क्योंकि अभी आप युवा है और दुनिया का सबसे युवा देश भारत, ऐसे में आप धरोहर भी है मानवता के नाते से, उस धरोहर का पालन पोषण करते हुए उनके अपने अभिष्ट तक की, उनके अपने लक्ष्य तक की प्राप्ति कराना या हमारा भी उत्तरदायित्व। और इसी नाते से खास करके आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लगातार 2047 तक जब आजादी का अमृत काल पूरा होगा तो हमारे जीवन के सब क्षेत्रों में हमारा देश आगे बढ़े, अर्थात देश के साथ प्रदेश भी आगे बढ़े जीवन के सभी क्षेत्रों में। और ऐसे में ये बात भी सही कि आपको बहुत सारी चुनौतियां भी मिलेगी, वो चुनौतियों से जूझना भी पड़ेगा, लेकिन उन चुनौतियों में हमको समाधान निकालते भी आना चाहिए। चुनौतियों से डर कर के पीछे हटना या चुनौतियों का क्या सिर झुका देना, ये दोनों के बजाय समाधान निकाल करके हम चुनौतियों से चुनौतियों को पार कैसे पाले, विजय कैसे प्राप्त करें, इस दिशा में भी आप आगे बढ़ेंगे। आपको शुभकामना देता हूं और आपका परमात्मा साथ देगा इसे बाबा महाकाल से कामना भी करता हूं। उसी प्रकार से जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे तब भी ऐसे ही चल रहा होगा। परीक्षा में हम जब गए तो बहुत सारे कष्ट आते, बहुत परेशानी आती है, लेकिन परमात्मा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, ये भी एक ईश्वर की एक अनुकंपा है। और यही ईश्वर आपके अंदर से इस तरह से आपको अपने बढ़ने वाले लक्ष्य की प्राप्ति तक ले जाया है। आज के दौर में अगर बात करें तो हमको ये बात सही है कि इन प्रश्नों में से कई एक उत्तर ये भी हो सकता था, जैसे कई लोगों ने मेरे से पूछा, मैंने उसको जान करके छोड़ दिया था। वर्तमान का युग हमारा विज्ञान का युग है, नई टेक्नोलॉजी का युग है, तो अब अपने जीवन में रोजमर्रा के जीवन में नई टेक्नोलॉजी का नवाचार लगातार करते जाए, नए नए प्रकार से हम कार्यदक्ष कैसे हो जाए।
आपकी यशस्वी प्रधानमंत्री को देखिए, जब वो गुजरात जैसे हिंदी भाषी प्रदेश के आसपास से निकले, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारी चीजों पे अपनी दक्षता हासिल कर ली। कई सारी भाषाओं के मामले में उन्होंने अपने आप को जोड़ करके खड़ा कर लिया। तो नवाचार के साथ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आप अपन भी सब करें, ये भी बहुत आवश्यक है। इससे ये ट्रांसपेरेंसी भी बनेगी और हमारी दक्षता भी बढ़ेगी। पारदर्शिता की बात करते तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, मैं नाम नहीं बोलूंगा लेकिन एक मंत्री जी से मैंने कहा कि अभी आपको आपके विभाग को लेकर के एक अभियान चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इस पे दोनों का, मैं सर मैं 55 जिले में दौरा कार्यक्रम बनाता हूँ, सब दूर 55 जिले तक होके आया हूँ। तो मैंने मजाक में बोल दिया कि आप 55 जिले तक जाएंगे तब तक तो लोकसभा आ जाएगी, 55 दिन तो आपको मिलेंगे नहीं, कम से कम एक दिन में एक जिला पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, जब तक आचार संहिता लग जाएगी। तो हमने कहा बात तो सही है, तो हमने कहा एक काम करो, आप यहीं बैठो, हर जिले के लोगों को बिठा लो सामने, आजकल तो बीसी के माध्यम से आपकी बात का समाधान हो जाएगा, आपकी बात का संप्रसारण हो जाएगा। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी का नया युग, माननीय मोदी जी कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से आप सबके जीवन में भी बहुत काम आया। उसी प्रकार से हमारा जो भी काम मिले उसको 100% सफलता के साथ ले जाने का मन में संकल्प होना चाहिए, 0.1 भी नहीं होना चाहिए, क्यों माइनस करें 100% करें। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये जो स्कूल शिक्षा के भी कुछ इसमें चयनित विद्यार्थी है, तो स्कूल शिक्षा की सिस्टम में मैं केवल परीक्षा पद्धति पे बताऊंगा। हमारे यहाँ आमतौर पर बोर्ड की एग्जाम होती है, स्कूल का अपना टाइम टेबल होता है और उस सर्टिफिकेट की मान्यता होती है जिसके आधार पर हमने परीक्षा दी। लेकिन अपने में से एक जानकारी देता हूँ कि शंकराचार्य पद्धति के आधार पर अभी भी कुछ गुरुकुल चल रहे हैं और वो गुरुकुल चल रहे हैं, उसमें से एक गुरुकुल उज्जैन में भी। उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता ये है कि वो जिस गुरुकुल में उनके विद्यार्थी को पढ़ाते तो कम से कम 10 बार उसकी कठिन परीक्षा लेके उसको हतोत्साहित करते कि आप हमारे पास आओ ही मत, क्यों ना आओ, क्योंकि इसलिए कि उनका बहुत कठिन मान है। लेकिन उसमें आने वाले जो आ जाते हैं उनको संकल्पित रूप से जो आते हैं उनकी पढ़ाई कैसे कराते हैं, तो पढ़ाई ऐसी कराते हैं कि वो 100 में से 100 ही नंबर लाना, 99 लाए तो भी फेल, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई सप्लीमेंट्री नहीं, कोई 33% का मार्क्स नहीं है। और उसके बाद आगे भी पढ़ लिए तो पढ़ने के आधार पे पूरा जीवन में उसी तरह से व्यतीत करना, ये उसका मार्क। और आखिरी में ये कि उसके बाद में कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आप पास हो गए, पास हो गए मतलब ये आपको मालूम और गुरु को मालूम, पूरा जीवन उस मार्ग पे ले जाना, ये गुरुकुल पद्धति थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमारे लिए लगना चाहिए, लेकिन उसमें अपने काम की बात इतनी है कि वो हमको कार्यदक्ष बनाने के लिए 100% शंकराचार्य पद्धति वो तो सिखा ही देती कि ऐसा भी होता है क्या, जो हमारे लिए अभी तक अपने किसी के विचार में भी बड़ी मुश्किल। मैंने भी जब पहली बार सुना तो बड़ा अटपटा लगा, लेकिन ये हमारी अपनी ऐसी कई सारी धारा दे रही है जिसके आधार पर हम सीख सकते हैं। अब इसमें अपने आचरण में मानवीय मूल्यों का भी और सहकर्मियों के साथ व्यवहार का भी बहुत महत्व। हम अगर केवल अहंकारी बन जाएंगे या हमारी चीजों को, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा, इन सारी बातों के साथ जोड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से विनम्रता के साथ, अध्ययनशीलता के साथ, अपने काम को कार्यदक्ष होकर जीने के साथ, और कभी कभी क्या होता है बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े, जैसे कल ही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। अब कर्पूरी ठाकुर जी मूलतः शिक्षक थे, वो शिक्षक होने के साथ में भी वो जिस समाज से आते थे वो बहुत पिछड़ा समाज था। उनका एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा, उनके अपने रिश्तेदार आए कि भाई मैं स्कूल शिक्षा विभाग की नौकरी करना चाहता हूँ, तो मेरी मदद कर दो, और मदद कर दो तो मैं परीक्षा में फेल हो गया। तो फेल हो गया तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा तुम क्या करते थे? तो उन्होंने कहा आपकी दाढ़ी कटिंग की दुकान है, तो उन्हें काम करो, मैं तुमको 50 रुपये देता हूँ, दुकान खोल लो, करो, ये तुम्हारे बस की बात है, ये मैं मदद करने का काम नहीं करता। तो मुख्यमंत्री होकर के जो अपनी इस लाइन को बनाकर कि मूलतः हमारी सुचिता की बात जो हम कह रहे हैं वो उसको खाली कहना नहीं, लगाना अपने जीवन में धारण करना, और इससे भारत रत्न बन के निकलते हैं वो तो आप चले गए, लेकिन उनके जीवन के ऐसे बहुत सारे प्रसंग। तो मूलतः शिक्षक थे, ऐसे वो नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जीवन भी कैसा है, राष्ट्रपति बनने के बाद पटना जैसे स्थान पे वापस आए और एक तरह से वृद्धाश्रम में भी जीवन गुजारा,
अपने जीवन में उन्हें कभी अहंकार नहीं पाला। ये हमारे लिए पाथे बन के, ये उदाहरण बन के हमारे जीवन पर काम आए कि हमारे को काम कोई सा भी मिल जाए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी हम उसका बाद में कैसे पालन करें। थोड़ा अच्छा भी है लेकिन कठिन भी है, पर हमारे यहाँ उदाहरण ऐसे कई कई भरे पड़े। आपके दो उदाहरण देकर के मैं बात समाप्त करूंगा। चाणक्य का उदाहरण है, जब वो खुद चंद्रगुप्त के पास अपनी व्यवस्थाओं में वित्त का काम संभालने की जवाबदारी संभाल रहे थे, तो कोई मिलने आया उनसे, तो बात करने में ध्यान में आया कि शासन की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, निजी जीवन की बात है। तो वो उस समय रात में बात कर रहे थे, तो दीपक जल रहा था उनके पास, उनने एक दीपक बुझाया दूसरा जलाया, ऐसा उदाहरण हमको सबको मालूम है। तो ने कहा आपने दीपक एक जलाया दूसरा क्या करा, बोले ये वो पहले शासन के पैसे से जल रहा था, आपको व्यक्तिगत बात करना तो मेरा दीपक जलेगा, मैं इसमें बात करूंगा। उदाहरण छोटा सा था लेकिन सीख कितनी बड़ी है उसका एहसास हम सबको मालूम है। एक उदाहरण पन्नाधाय का हमारे सबके सामने, पन्नाधाय मूलतः राज परिवार में कर्मचारी की तरह काम कर रही, लेकिन उस राज परिवार की व्यवस्थाओं को, शासन की व्यवस्थाओं को लेकर अगर कोई कष्ट आ रहा है तो अपने बच्चे का बलिदान देकर के भी उन्होंने जो उदाहरण उत्पन्न किया है पन्नाधाय, अपने खुद के बच्चों को, अपने सामने 7 साल के बच्चों को कोई बड़ी घटना के आधार पर, जब राजा के बच्चे की बलि लेने के लिए कोई षड्यंत्र हुआ था, कोई घटना बनी थी, तो उसके बच्चों को, राजा के बच्चों को बचा करके अपने बच्चों को अपने सामने तलवार से कटते हुए देख करके सास की सेवा का इससे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण कोई हो सकता है क्या? कोई ऐसा सोच सकता है कि केवल भारत में होता था? ये पन्नाधाय की बड़ी लंबी कहानी, लेकिन ये उदाहरण हमारे सबके सामने है। तो मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत बधाई। शक्ति आपके साथ है और मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे हम सभी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं अभ्यर्थियों को और निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। इसी क्रम में सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से सुश्री वर्षा पवार, वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। आइए तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें। सुश्री वर्षा पवार, वाणिज्य कर अधिकारी, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। और इसके बाद कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से श्री राहुल विश्वकर्मा, वाणिज्य कर निरीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति होगी। तालियों के साथ स्वागत करें हम सभी अभ्यर्थियों का कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से श्री राहुल विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, कमर्शियल टैक्स एक्साइज डिपार्टमेंट से सुश्री नेहा प्रजापति, आबकारी उप निरीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति होगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कमर्शियल टैक्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से सुश्री प्रियंका साहू, जिला पंजीयक पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कमर्शियल टैक्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से श्री विमलेश ठाकुर, उप पंजीयक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से सुश्री नेहा मौर्य, सहकारिता निरीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट श्री अखिलेश पाठक, सहकारिता निरीक्षक, आप दिव्यांग हैं और आपकी सहकारिता निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हो रही है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। फाइनेंस डिपार्टमेंट श्री जमुना डुडवा, सहायक संचालक विद एसटी। तालियों के साथ स्वागत करें हम सभी अभ्यर्थियों का। फाइनेंस डिपार्टमेंट से श्री दयाराम डाबर, सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं श्री दयाराम डाबर जी। फूड एंड सिविल सप्लाई से श्री सम्यक जैन, सहायक संचालक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं श्री सम्यक जैन जी। फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में श्री कुलदीप मौर्य, सहायक संचालक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जीएडी कार्मिक सुश्री प्रिया पाठक, डिप्टी कलेक्टर, हरदुआ कॉलोनी, ग्राम नागौर, जिला सतना। बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री प्रिया पाठक जी आपको। जीएडी डिपार्टमेंट में ही सुश्री प्रियंका भलावी, डिप्टी कलेक्टर, राजेंद्र वार्ड बैतूल। बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री प्रियंका भलावी जी।
गृह विभाग से मैं श्री अक्षय डिग्रा से डीएसपी श्री अक्षय जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गृह विभाग में ही सुश्री अन्नपूर्णा सिरसाम डीएसपी के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है, बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री अन्नपूर्णा जी। जेल विभाग में श्री संस्कार बावरिया जिला जेल अधीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। जेल विभाग सुश्री प्रतिभा पटेल जिला जेल अधीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है, बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री प्रतिभा पटेल जी। लेबर विभाग से सुश्री सृष्टि तिवारी हमारे बीच दृष्टि बाधित सुश्री सृष्टि तिवारी आपकी श्रम अधिकारी पद पर नियुक्ति हो रही है, लेबर विभाग में बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री सृष्टि तिवारी जी। लेबर विभाग में सुश्री आशा श्रीश्याम सहायक श्रम अधिकारी एसटी महिला, आइए तालियों के साथ स्वागत करें सुश्री आशा श्रीश्याम का। एमएसएमई विभाग में श्री प्रतीक यादव सहायक संचालक उद्योग माणिक बाग रोड इंदौर, तालियों की बल है इन सभी के लिए। एमएसएमई विभाग से सुश्री पूजा बघेल सहायक संचालक धर्मपुरी जिला धार, सहायक संचालक के पद पर सुश्री पूजा बघेल मंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में श्री प्रदीप सिंह लोधी विकास खंड अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है, बहुत सारी शुभकामनाएं श्री प्रदीप सिंह जी। श्री श्रीकांत कुईके पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विकास खंड अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। पब्लिक रिलेशन विभाग से सुश्री हिमांशी बजाज सहायक संचालक जनसंपर्क के पद पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री हिमांशी बजाज जी। श्री शिवेंद्र गुर्जर जी आपका भी पब्लिक रिलेशन विभाग वही सहायक संचालक के पद पर नियुक्ति होने जा रही है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं श्री शिवेंद्र गुर्जर जी। सुश्री रंजना रावत रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री रंजना रावत जी। श्री शशांक जैन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही नायब तहसीलदार के पद पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है, आप दृष्टि बाधित है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं श्री शशांक जैन जी। नायब तहसीलदार के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से सुश्री शीलू शर्मा सहायक संचालक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है, तालियों के साथ हम स्वागत करें सुश्री शीलू शर्मा जी का। स्कूल शिक्षा विभाग में ही श्री गौतम वर्मा सहायक संचालक के पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। ट्राइबल विभाग में श्री रजत सोनी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, आपको जिला संयोजक के पद पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये स्वर्णिम अवसर है हमारे लिए, हम सबके लिए ये प्रेरणा का अवसर है, श्री रजत सोनी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ट्राइबल विभाग में ही श्री हर्षित कौरव जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, आपको क्षेत्रीय संयोजक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सुश्री रंजना गोयल जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, तालियों से हम स्वागत करें अभिनंदन करें सभी अभ्यर्थियों का। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही श्री धर्मराज यादव जी जिन्हें मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से कि वे प्रदेश की विगत 20 वर्षों की प्रगति यात्रा एवं प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों का प्रस्तुतिकरण करें, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के परिप्रेक्ष्य में नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण करें। Thank you.
माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में पधारे सभी अभ्यर्थीगण जो इस प्रतियोगिता में सफल हुए हैं, उनके अभिभावकगण, सभी सम्मानीय अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन करूंगी, उसके बाद हम लोग इस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे। आप सब ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनी और आपने ये समझा कि इस प्रदेश के विकास के प्रति वो कितने कटिबद्ध हैं और आप सबसे उनकी कितनी अपेक्षाएं हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो आप सबको प्रेरणा देने के लिए इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे हैं और आप सबको उन्होंने इंस्पायर किया है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कटिबद्ध होके इस प्रदेश के विकास में अपना सहयोग करें। मैं सभी इस कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। सर, थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और उनकी तुलसी का पौधा भेंट करते हुए हम सभी की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी अपने स्थान रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।